बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी तंदूरी चाय। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर दूध लिया हमने 2 गिलास, पानी आधा गिलास और चाय की पत्ती ली हमने हसबे ज़रूरत 2 खाने के चम्मच। गुड़ लेंगे हम हसबे ज़रूरत, अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। छोटी इलायची ली हमने 4 से 5, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 चाय का चम्मच लिया हमने सौंफ। और ये है मिट्टी का छोटा सा मटका, इसे हम चूल्हे पे गर्म करेंगे। वैसे तो ओरिजिनल टेस्ट के लिए इसे तंदूर में गर्म किया जाता है, लेकिन हर घर में तंदूर नहीं होता, तो इसलिए हम इसे चूल्हे पर ही गर्म करेंगे, तो यही हमारी चाय में तंदूरी टेस्ट लाएगा। तो चलिए अब इसे हम चूल्हे पे गर्म करते हैं। 15 से 20 मिनट तक हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म करना है। जब अच्छे से ये गर्म हो जाए, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट के लिए नीचे से और इसकी साइडों को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। मटका जितना ज़्यादा गर्म होगा, चाय हमारी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसे गर्म होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम साइड को चेंज करते हैं। और इधर से भी अच्छी तरह से हम इसे गर्म कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइडों को चेंज करते जाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये हर तरफ से गर्म हो जाए। तो जब तक ये बाहर से गर्म हो रहा है, हम चाय तैयार करते हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी और साथ इसके हम डाल देंगे छोटी इलायची। इलायची को हमने तोड़ के डालना है। और अब इसमें जाएगा दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सारा फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। जब अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा, फिर इसमें हम चाय की पत्ती और गुड़ डालेंगे। देखिए कावा अच्छी तरह से पक चुका है और इसका फ्लेवर भी आ चुका है पानी में। अब इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती और साथ इसके हम डाल देंगे गुड़। जब अच्छी तरह से चाय की पत्ती का कलर आ जाएगा, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। तो देखिए कावा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। और इसे अच्छी तरह से अब पका लेंगे। देखिए चाय में बॉयल आना शुरू हो चुका है। जब चाय अच्छी तरह से पक जाएगी, फिर हम चाय को जग में छान लेंगे। तो देखिए चाय हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। तो देखिए चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है और इधर से मटकी जो है वो भी पक के अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में रखेंगे। इसमें हम डालेंगे आराम आराम से चाय।
देखिए चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम फिर से वापस जग में डालेंगे और जग में डालने के बाद इसे हम कप में डालेंगे। ये जितनी भी इसमें चाय बची है वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इन्हें हम कपों में डालते हैं। चाय को हम थोड़ा सा ऊपर करके डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी झाग बने। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तंदूरी चाय। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।